Hey, I am your Dharmendra sir from DSL Institute, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi. मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों को डिमांड है स्पीकिंग का, राइटिंग का, ग्रामर का. तो आप यहाँ पे देखो, एक वर्ड. अब मैंने शपथ लिया है कि एक एक शब्द मैं आपको सिखाऊं. एक वर्ड, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिया WHAT, वाट. अब एक वर्ड अगर आप सीख जाते हो ना, वाट का जितना भी यूज है कि वाट को आप कितने तरह से यूज कर सकते हो, फिर आपका अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगा. जैसे वाट है क्या, वाट को कितने तरह से आप यूज कर सकते हो, वाट क्या क्या काम कर सकता है. तो वाट काम कर सकता है हम लोगों का, वो काम कर सकता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन का. What काम करता है interrogative pronoun का. Interrogative pronoun का मतलब हो गया कि काम कर सकता है subject का. What काम कर सकता है interrogative adjective का. What तुम्हारा adjective काम कर सकता है. What काम कर सकता है exclamatory का. What काम कर सकता है तुम्हारा relative conjunction का. यानी वाट एक मल्टी यूजेस वर्ड है. सिर्फ वाट ही नहीं, ऐसे मैं एक एक मुद्दा उठाऊंगा और आपको सिखा दूंगा. इन्स एंड आउट, जितना चीज जो पढ़ो उस पर पूर्ण ज्ञान हो, ना कि अधूरा अधूरा ज्ञान हो. मैं जो दे रहा हूं बोर्ड पे, एक कंप्लीट ज्ञान दे रहा हूं जिसके माध्यम से भूचाल मचा दो, जितने सेंटेंस है बस बोलते रहो. हमने कहा वाट एक्सक्लेमेटरी बन सकता है, वाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन सकता है, सभी काम कर सकता है. वाट इंट्रोगेटिव एडिटिव बन सकता है, वॉट रिलेटिव कंजंक्शन बन सकता है. और देखो साफ लिख दिया CONJUNCTION, इंट्रोगेटिव कंजंक्शन बन सकता है. यहां पे अब एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे काम करेगा वॉट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, कैसे काम करेगा एडजेक्टिव. यहां पे एक एक करके देखो कि वॉट कैसे काम कर सकता है. अब देखो वॉट, अगर हम पहले देखते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, पहले काम करता है तो डब्ल्यू एच के बाद, वॉट के बाद आप लगा दीजिए ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद अदर वर्ब. अब यहां पे क्या क्या आ सकता है भाई, तो आप ऑक्सिलरी वर्ब में जो मन करता है लगा दो. आपको मन करता है डू लगा दो, मन करता है डज लगा दो, मन करता है इज लगा दो, मन करता है आर लगा दो, मन करता है शुड लगा दो, मन करता है कुड लगा दो, मन करता हो वुड लगा दो, मन करता हो विल लगा दो, मन करता हो वाज लगा दो. जो मन करता है, जितना मन करता है बोलो. हमने कहा व्हाट डू यू नो, वेयर डू यू लिव, जितना मन करता है बोलो. वेयर डू यू लिव, व्हाट शुड आई डू, जितना एग्जांपल चाहो. मैं दो चार एग्जांपल लिख दे रहा हूं, आप उसको देखो आराम समझ लो. पहले ये जान लो कि व्हाट के बाद कुछ भी लगा दे ऑक्सिलरी वर्ब, कुछ भी लगा दे सब्जेक्ट, कुछ भी लगा दे मेन वर्ब, आप आराम से लिख सकते हैं. अब दो चार एग्जांपल देख लें आप प्रोनाउन का. अब यहां पे एग्जांपल देखो, हमने कहा व्हाट डू यू इट, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू इट. अब ये क्या है, यहां जितना भी व्हाट है ये सारे व्हाट हैं क्या भाई, तो सारे व्हाट प्रोनाउन है. हमने कहा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट डू यू वांट टू इट, तुम क्या खाना चाहते हो, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे. तो जितने व्हाट हैं यहां सारे काम प्रोनाउन कर रहे हैं. अब यहां देखो डू है, आर है, ये सब क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है. यहां पे यू 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 आई क्या है, ये कर दिया सब्जेक्ट और ये हो गया तुम्हारा मेन वर्ब. इस तरह से आप स्ट्रक्चर फ्रेम कर सकते हो और जितने सेंटेंस चाहो बोल सकते हो. व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू, व्हाट डू यू वांट टू ईट, व्हाट शुड आई डू, व्हाट कुड आई डू, व्हाट विल आई डू, व्हाट विल यू डू, व्हाट शुड यू डू, व्हाट कुड यू डू, व्हाट विल यू डू. तो जितना व्हाट दे डू, व्हाट, तो जितना सेंटेंस चाहो आप इसे बोल सकते हो, लिख सकते हो, कर सकते हो. अब देखते हैं हम लोग अगला कॉन्सेप्ट. अब देखो व्हाट का प्रयोग करते हैं हम लोग एज एन एडजेक्टिव. कहां करते हैं एज एन एडजेक्टिव. व्हाट, वही व्हाट बन जाएगा तुम्हारा एडजेक्टिव. कैसे बनेगा वो ध्यान दीजिए. जैसे व्हाट के बाद आप लगा दीजिए नाउन, क्या लगा दीजिए बच्चे, नाउन. नाउन के बाद एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद अदर वर्ब. जैसे अब यहां पे हमने कहा व्हाट, व्हाट के बाद नाउन लगा दिया, नाउन के बाद एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी सब्जेक्ट, मेन वर्ब और अदर वर्ब और क्वेश्चन मार्क लगा दिया. अब इसके साथ आप व्हाट को एज एस एडजेक्टिव, चूंकि नाउन से पहले रहने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है. और नाउन यहां पे जो भी आएगा वो क्या काम कर देगा, जैसे हमने कहा व्हाट बुक,
तो बुक हो गया नाउन, नाउन से पहले अब यहां पे व्हाट का हिंदी होगा कौन सा, कौन सा, ये ध्यान देंगे। अब इसके हम दो चार एग्जांपल देखते हैं तब इस पर हम काम करते हैं। अब एक थोड़ा सा पॉइंट देखिए, पॉइंट ये देखना है कि व्हाट अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा तो इसका हिंदी होगा क्या या क्या क्या। जैसे बोलते हैं व्हाट मतलब क्या, क्या क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या क्या हुआ, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर होगा तो क्या, व्हाट आर यू ईटिंग तुम क्या खा रहे हो, व्हाट डू यू डू तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू तुम क्या करना चाहते हो। व्हाट अगर एडजेक्टिव होगा तो हिंदी हुआ कौन या कौन सा, इसका एग्जांपल अभी तुरंत मैं आपको दे रहा हूं। व्हाट अगर रिलेटिव कंजंक्शन होगा तो जो या जिसे, इसके स्क्रीनशॉट ले लो और लेकर के आप इसको सेट कर लो। अभी मैं एग्जांपल इसका देने जा रहा हूं, फटाफट मिटा रहा हूं, एग्जांपल मैं इसका दे रहा हूं जल्दी से। यहां पे जो एग्जांपल आप देख रहे हो वो किसका देख रहे हो भाई, कौन लड़का, तुम कौन सा रंग, यानी कौन सा रंग, कौन सा रंग, यहां पे कौन सी पेंसिल। तो यहां पे कौन यानी व्हाट का जो मतलब हो रहा है, ये व्हाट का मतलब है कौन, कौन सा या फिर कौन। तो तुम कौन लड़का आ रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि व्हाट ही होने का, आप चाहो तो अलग भी बना सकते हो, लेकिन यहां पे कौन लड़का, तो हमने बोला व्हाट बॉय इज कमिंग, तो व्हाट का मतलब यहां पे बॉय हो गया, बॉय हो गया नाउन, और नाउन से पहले कौन रहता है बच्चे, एडजेक्टिव रहता है। मैं कहना चाहता हूं कि एक व्हाट का प्रयोग आप कई तरह से कर सकते हो, जैसे व्हाट बॉय इज कमिंग, कौन लड़का आ रहा है, तुम कौन सा रंग पसंद करते हो, व्हाट कलर डू यू वांट, तो व्हाट कलर, कलर हो गया नाउन, व्हाट हो गया एडजेक्टिव, हो गया ना। यहां पे तुम कौन सा शर्ट, तो व्हाट पेंसिल, कौन सी पेंसिल, तो व्हाट पेंसिल डिड यू बाय, कौन सी कलम तुमने खरीदी थी, कौन सी पेंसिल तुमने खरीदी थी, तो व्हाट पेंसिल डिड यू बाय, तो व्हाट बुक डू यू लाइक, कौन सा किताब तुम पसंद करते हो, क्लियर। तो इस तरह से व्हाट का प्रयोग यहां पर हम लोग कैसे किया, एडजेक्टिव जैसा। अब देखते हैं इसका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के जैसा, एक एक कर देखिए आप इसका प्रयोग, तब आपको समझ में बेहतर आएगा। अब यहां देखिए व्हाट को हमने किया एट एज अ रिलेटिव कंजंक्शन, अब यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन को हो रिलेटिव कंजंक्शन को हो दोनों कह सकते हो। तो हमने कहा मैंने वही किताब पढ़ी जो कि जो मैंने कल खरीदी थी, अब यहां पे जो क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का, दोनों को जोड़ रहा है, मैंने वही किताब पढ़ी जो मैंने कल खरीदी थी, तो आई रीड द बुक, मैंने वही किताब पढ़ी, कब, कौन वाला, जो कल खरीदा था, तो व्हाट आई बॉट यस्टरडे। तो यहां पे व्हाट बोलो इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आई रीड द बुक, खत्म कहानी, मैं किताब पढ़ा था, वही किताब पढ़ा था, आई बॉट स्टडी, मैं कल खरीदा था, किसको, जो मैंने कर, तो व्हाट के हिंदी क्या हो रहा है यहां पे, जो मैंने वही किताब पढ़ी, आई रीड द बुक, व्हाट आई बॉट स्टडी, जिसको मैं कल खरीदा था। तो व्हाट का मतलब यहां पे हो रहा है जो का हिंदी निकालो या फिर जिसको का हिंदी निकालो, तो व्हाट मतलब जो या जिसको, तुम वही काम करो, यू डू द वर्क, यू डू द वर्क, जो तुम पसंद करते हो, व्हाट यू लाइक, तो यू डू द वर्क, व्हाट यू लाइक, तो यहां पे व्हाट का मतलब हुआ जो, तो जो तुम पसंद करते हो, यू डू द वर्क, व्हाट यू लाइक, तुम वही काम करो जो तुम पसंद करते हो। मैंने वही किताब पढ़ी, आई रीड द बुक, मैंने वही किताब पढ़ी, कौन सा भाई, तो जो मैंने कल खरीदी थी, तो व्हाट आई बॉट स्टडी, यानी आई रीड द बुक, व्हाट आई बॉट स्टडी, यू डू द वर्क, व्हाट डू यू, व्हाट यू लाइक, जो तुम पसंद करते हो, इस तरह से। अब एक एग्जांपल और देखेंगे जो एक्सक्लेमेटरी वाला है, ठीक है। अगर हम इसे एक्सक्लेमेटरी बनाते हैं तो एक्सक्लेमेटरी का सेंस हो व्हाट, तो इस व्हाट का मतलब कैसा या कैसी का सेंस हो सकता है। एक्सक्लेमेटरी बनाते हैं इसको हम लोग, तो एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेम्ड करना, यहां पर आपको बॉडी लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा, व्हाट ए प्लेस, कैसा आदमी, व्हाट अ मैन यू आर, व्हाट अ हैंडसम बॉय यू आर, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल यू आर। तो यहां पे हम लोग जो है एक एक्सक्लेमेटरी का प्रयोग करना, व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ मैन, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ गुड प्लेस, व्हाट अ नाइस प्लेस, व्हाट अ वंडरफुल प्लेस। हमने कुछ एग्जाम्पल दिया है, व्हाट प्लस ए एन लगाना, स्ट्रक्चर है देखो, व्हाट प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव
लगाना चाहो तो लगाना, प्लस नाउन। जैसे हमने बोला व्हाट अ मैन, कैसा आदमी, तो व्हाट अ मैन मतलब बढ़िया आदमी है। व्हाट अ मैन यार, कैसा आदमी है वह। व्हाट अ मैन ही इज, वो कैसा आदमी है। व्हाट एन ऑनेस्ट मैन, कैसा ईमानदार आदमी है। व्हाट एन ऑनेस्ट मैन, व्हाट अ लेबोरियस मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कुछ भी लगा सकते हो। व्हाट अ ग्रेट मैन, कैसा ग्रेट मैन है। व्हाट अ ग्रेट कंट्री इंडिया इज, इंडिया कैसा महान देश है। व्हाट अ ग्रेट कंट्री इंडिया इज, इंडिया कैसा महान देश है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सालू इज, सालू कितनी खूबसूरत लड़की है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शालू इज, तो शालू कितनी खूबसूरत लड़की है। तो हमने क्या कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल। तो जितना व्हाट एवर कम्स योर माइंड, जितना संदेश चाहो, यू आर एबल टू मेक दैट। कुछ ही बना सकते हो, कुछ ही बोल सकते हो, बट व्हाट यहां पे काम क्या कर रहा है, एज ए एक्सक्लेमेटरी। यहां पे आपको बॉडी लैंग्वेज थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। व्हाट अ प्लेस, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ गुड क्लास, व्हाट अ नाइस क्लास, व्हाट अ फिल्म यार, व्हाट अ नाइस फिल्म, व्हाट अ गुड फिल्म। तो जितना चाहो उतना बोलो। व्हाट अ नाइस गर्ल, जितना मर्जी करे, बस आप बोलो सेंटेंस को, आप बोल सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बट आपकी शिकायत क्या है, सर वीडियो टाइम पे नहीं मिलता, तो सब्सक्राइब और वेल आइकन दबाइए, हमेशा मिलेगा, वीडियो की शिकायत दूर हो जाएगी। और हाँ, खास करके जिनको ज़रूरत है ना, उनकी मदद करिए, और पूरे वीडियो को व्हाट्सअप से लेकर के यूट्यूब से लेकर के हर जगह पे शेयर करिए। और शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।